लोगों की लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन खान पान की बात की जाए तो गाड़ी अटक जाती है। आज के वक्त में जंक फूड पहली पसंद है, लेकिन आने वाले समय में बीमारियां जल्द ही हमें घेरने लगेगी। अगर आप खान पान में बदलाव नहीं कर सकते हैं तो बर्तनों में बदलाव कर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से होने वाले लाभ और क्या सावधानियां रखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से होने वाले लाभ। आज के वक्त में आधुनिक बर्तन में खाना पकाते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में ऐसा नहीं है, बल्कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से करीब 10 तरह के पोषक तत्वों का लाभ मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिप्सम, सिलिकॉन, आयरन आदि शामिल होते हैं। आज के वक्त में कब्ज की समस्या होना आम बात हो गई है। ऑफिस टाइम में अक्सर खाना खाकर बैठने पर गैस की समस्या होने लगती है, इसलिए मिट्टी के तवे पर रोटी पकाने से गैस और कब्ज की समस्या से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। मिट्टी के बर्तन में पकी हुई दाल और सब्जियों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इस बर्तन में बने दाल और सब्जी के 99.9% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। हालांकि कुकर में सब्जी पकाने से अधिकतम पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का सबसे बड़ा फायदा है तेल का प्रयोग कम होता है। जी हाँ, अगर आप ऑयली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो मिट्टी के बर्तन सबसे अच्छे हैं। साथ ही इसमें खाना चिपकने का भी कोई डर नहीं। तो आइए अब जानते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पहले कुछ नियम और सावधानियां जरूर रखें। अगर आप मिट्टी के नए बर्तन में खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले उसे रात भर पानी में डुबोकर निकालकर उल्टा रख दें। अगले दिन किसी बर्तन में पानी गर्म करके मिट्टी के बर्तन में डाल दें। ऐसा 4 से 5 दिन तक करें। इसके बाद ब्रश की सहायता से इसे हल्के हाथों से रगड़ें ताकि अन्य जमा मिट्टी निकल जाए। बाद में धोकर धूप में सुखा दें। इसके बाद बर्तन के चारों ओर अंदर तेल लगा दें और गैस पर धीमी आंच पर गर्म करें। गैस पर करीब 1 घंटे के गर्म होने के बाद ही इसमें खाना बने। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।